हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जेवर लैस चाकों पर और गेरे पर कैसे लगाते हैं उसका तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। और उससे पहले आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम ऐसे कपड़े को फोल्ड कर कर अपने गेरे का निशान लगाएंगे। हमारा गेरा 18 इंच है। ये देखिए, शर्ट का गेरा 18 इंच है। हम ऐसे निशान लगाएंगे। आप अपने मेज़रमेंट के अनुसार निशान लगाएं जितना अपना आपका गेरा है। ऐसे हम दूसरी साइड पर भी निशान लगा लेंगे 18 इंच का। ऐसे दूसरी साइड पर भी, ये देखिए। उसके बाद फ्रेंड हम इस पर प्रेस फेर लेंगे। ये देखिए, मैंने प्रेस से इसकी क्रीज बना ली है जिससे हमारी लेस बिल्कुल सीधी लगेगी। ये देखिए, ऐसे ही ऐसे मैंने दूसरी साइड भी बना ली है। अब हम इसे लगाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सिंगल फुट चाहिए जे वाला। जे लेफ्ट राइट दोनों मिलते हैं मार्केट में से, जहाँ से हम जे वाला लैस लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमें बस इतना इतना पार्ट दिखाना है अपनी लैस का, इसीलिए मैं इतना इतना पार्ट। ये देखिए फ्रेंड, ऐसे रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। जे फूड को थोड़ा लूज करेंगे क्योंकि जे फ्रेंड मेरी सिंपल मशीन है। अगर आपकी अम्ब्रेला या पावर वाली कोई भी मशीन है तो आपको जे फूड लूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, हम ऐसे सिलाई लगाएंगे बिल्कुल पास पास से। ये हमें पैपिंग की तरह ही निकालनी है जैसे हम पैपिंग लगाते हैं। जी देखिए फ्रेंड, ऐसे हम सिलाई लगाते जाएंगे जहाँ तक। जहाँ पर फ्रेंड हम लेस काटने से पहले इसे पक्का कर लेंगे, नहीं तो हमारे ये सारे मोती बिखर जाएंगे, निकलने स्टार्ट होते हैं जब हम इसे कट कर देते हैं, तो इसलिए हम इसे पक्का कर लेंगे ऐसे। ये देखिए फ्रेंड, हमने पक्का कर लिया है। अब हम इसे कट कर देंगे। ये देखिए, जहाँ से जब हम इसे ऐसे कट कर देंगे, ये देखिए, अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। अब हम फूड को टाइट कर देंगे। अब हम ऐसे कपड़ा फोल्ड कर कर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ऐसे ऐसे कपड़ा फोल्ड कर कर हम सिलाई लगाएंगे। जी देखिए, ये देखिए फ्रेंड, हम ऐसे सिलाई लगाएंगे। जी देखिए, हमारी सिलाई ऐसे आ जाएगी। देखिए, हमारी जी वाली लेस ऐसे आ जाएगी फ्रेंड। ये देखिए, सीधी साइड से। ये देखिए, इसे हम ऐसे फोल्ड कर कर जहाँ पर तुरपाई कर देंगे। ऐसे हम दूसरी साइड पर भी जी वाली ऐसी लेस लगाएंगे जहाँ पर फ्रेंड हमें अपना सिंगल फूल लूज करना पड़ेगा थोड़ा सा। जी मैं तां लूज़ कर रही हूँ क्योंकि जी मेरी सिंपल मशीन है। अगर आपकी अम्ब्रेला मशीन है जो पावर वाली मशीन है तो आपको जे फूल लूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं पैपिंग भी ऐसी बनाती हूँ अपनी मशीन से। ये देखिए फ्रेंड, हम ऐसे सिलाई लगाएंगे।
जहाँ पर भी हम पक्का करने से पहले सॉरी काटने से पहले हम इसे पक्का कर लेंगे अपनी लेस को। जी देखिए ऐसे ही अब जहाँ से हम इसे ऐसे कट कर देंगे। अब हम फिर अपना फूल टाइट करेंगे थोड़ा। उसके बाद हम ऐसे लैस लगाएंगे सॉरी कपड़ा फोल्ड करेंगे ऐसे। ये देखिए फ्रेंड हमने ऐसे कपड़ा फोल्ड करके सिलाई लगा ली है अपनी। ऐसे हम दूसरी साइड पर भी सिलाई जी वाली लैस लगाएंगे। ये देखिए जहाँ पर भी ऐसी सिलाई लगाकर हमने अपनी लैस लगा ली है। अब काटने से पहले हम इस लैस को पक्का कर लेंगे। अब हम कपड़ा फोल्ड कर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए देखिए फ्रेंड हमने ऐसी सिलाई लगा ली है। ऐसे हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। देखिए ऐसे हम दूसरी तरफ भी अपनी लैस अटैच करेंगे। ये देखिए जहाँ से भी हम लेस कट करने से पहले उसे पक्का कर लेंगे। एक हमने जहाँ से पक्का कर लिया है अब जहाँ से हम इसे कट कर देंगे। ये देखिए अब फूल को टाइट करके हम वैसे ही कपड़ा फोल्ड कर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए ऐसे देखिए ऐसे आ जाएगी हमारी लैस। इसे हम लैस को जो एक्स्ट्रा ऐसे फोल्ड करके जहाँ पर तरपाई कर देंगे। ऐसे ही मैंने इसकी बाजू पर भी ये लैस लगाई है। अब हम इसके नेक पर लगाएंगे। सबसे पहले हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे अंदर को लैस को। जी देखिए फ्रेंड हम ऐसे लगाएंगे बिल्कुल पास पास जहाँ पर मैंने फूल लूज़ नहीं किया जहाँ पर टाइट ही रखा है। ये देखिए हम ऐसे धीरे धीरे सिलाई लगाकर अपनी लैस को लगाएंगे। जहाँ से भी हमने पक्का कर ऐसे फोल्ड कर सिलाई लगा देंगे। इसे हम फ्रेंड बाद में इसे सुई से पक्का कर देंगे अंदर की साइड से। ये देखिए हमने अपनी लैस लगा ली है स्लीव्स पर भी और घेरे पर भी। ये देखिए फ्रेंड ऐसे हमने अपने चाकू पर लैस लगाई है। आप चाहो तो इसे घेरे पर भी लगा सकते हो।
लेकिन मैंने गिरे पर नहीं लगाई। ये देखिए ऐसे चाके पर लगाई है मैंने, ये देखिए ऐसे ये वाला पैच लगाया है मैंने नेक पर अपने पर, ये देखिए ये पैच है। ये देखिए फ्रेंड आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।